आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हर घर में तिरंगा भी फैलने वाला है। और इसी उपलक्ष्य में हम याद करते हैं और वचन देते हैं, हम रहे या न रहे देश रहना चाहिए। और इस उपलक्ष्य में एक छोटा सा वीडियो हम लेकर आए हैं। हमारा जात अलग, पंथ अलग, प्रोफेशन अलग, एज उम्र वो भी अलग अलग, फिर भी हम सब कटिबद्ध है दो बातों के लिए, जिन्होंने हमको ये आजादी मिलने के लिए प्रयास किए, उन सब लोगों के प्रति हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। और हम कटिबद्ध होते हैं कि देश को नए ऊंचाई पे लेने के लिए, समृद्ध, सामर्थ्यशाली, संपन्न बनाने के लिए हम सारे प्रयास करने वाले हैं, सारे प्रयास करने वाले। एक बात की आपको थोड़ी सी जानकारी तो है, याद दिलानी है। 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश तो चले गए, फिर भी खाली वो 150 साल वही पारतंत्र थोड़े ही था, बिल्कुल नहीं। पारतंत्र का अनुभव हमने ईस्वी सन पूर्व 325 से लेना शुरू कर दिया। डिटेल में तो नहीं जाएंगे, फिर भी पहले ग्रीक आ गए, शक आ गए, कुषाण आ गए, हूण आ गए, वो एक दौर था। तभी भी हम जो पारतंत्र जो अनुभव किया वो अलग था, उसके बारे में दूसरा दौर शुरू हो गया। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेके तुर्क आ गए, अफगान आ गए, मुगल आ गए। उसके बाद और एक तीसरा दौर आ गया, उसमें पोर्तुगीज आ गए, डच आ गए, फ्रेंच आ गए, ब्रिटिश आ गए। और 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश तो चले गए, फिर भी कोई भाग तभी भी पारतंत्र में था। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, गोवा, उसके बाद स्वतंत्र हमको मिल गए। इस सारे 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 कालखंड में हमारे कितने सारे अगणित लोग मारे गए, कन्वर्ट किए गए, यहां से उनको भगाया गया, लेकर दूसरे देश में गुलाम करके बेचा गया, हमारे मंदिर टूट गए, कला संस्कृति, हमारे जो जो धरोहर थे वो सारे नष्ट कर दिए, हमारे सारे गुरुकुल, सारे विद्यापीठ ऐसे ही नष्ट हो गए। कितने देवालय, कितने मंदिर नष्ट हो गए, इसकी तो गिनती नहीं। फिर भी हम डटे रहे, राजा थे, रानियां थी, शेतकरी थे, कामकरी थे, उसमें महिला भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, हर एक कोई अपनी तरफ से जितना हो सके उतना लड़ता गया। ब्रिटिशों के टाइम वही हो गए, हर कोई का साथ देना। 1857 के पहले जो भाग लेने वाले थे उसमें तो हमारे शेतकरी, कामकरी और आदिवासी बांधव थे। उसके बाद भी 1857 के बाद जो लड़ाई हो गई उसमें तो तुम्हारे मेरे जैसे कितने सारे लोग, कोई झंडा लेकर आगे आ गया, कोई फांसी पे लटका गया, और कुछ कुछ हो गया, फिर भी ये सारा रुका नहीं। स्वातंत्र्य मिलना जितना महत्वपूर्ण था उतना ही उसको जतन करना उतना ही महत्व था। 47 में ही हमको मुकाबला करना पड़ा पाक से। ऐसे बोला जाता है ब्रिटिश और पाक दोनों ने मिलके ये प्लान किया था, क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण तो हो ही गया। 47 इसको बोलते हैं ऑपरेशन 48। 23 अक्टूबर उससे पहले ही शुरू हो गया था और 49 में खत्म हो गया। उसके बाद चीन का आक्रमण हो गया 62 में। उसके बाद 65, 71, 99, 83, 84 सियाचिन। उसके बाद पीस कीपिंग फोर्स के यहाँ हम कांगो में गए, सिलोन में गए और कहाँ कहाँ गए, अनेक ऑपरेशंस हो गए, अनेक जगह बॉम्बस्फोट, ये वो कितना चलता रहा, कितने सारे ऑपरेशंस। उसमें हमारे सारे सेना दल, आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, उसके सिवा जो अलाइड सर्विसेज है वो भी ज्वाइन हो गई। और हम लोगों ने सबने मिलकर प्रयास किया कि हमारा स्वातंत्र्य आबादित रहे और न टूटे। हाँ, और थोड़ा कुछ बाकी है,
गिलगित बल्टिस्तान और पीओके हमको हर रोज याद दिलाता है और हमारे देश में रहने वाले जो कोई गद्दार है उनको भी हमको सामना करना है डट के, क्योंकि हमारा स्वराज्य स्वतंत्रता का आबादी रहे, चिरायु होए और हम नए ऊंचाई पे। ऐसा बोला जाता है जब अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप उधर रांटी अवस्था में लोग थे, तभी हमारा भारत सोने की चिड़िया था। बहुत संपत्ति, कला, वास्तु विशारद, स्थापत्य, और ये जो हम बोलते हैं अनेक 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 युद्ध साहित्य हो, शास्त्र हो, कितने सारे। जैसे हम बोलते हैं 14 कला, 14 विद्या और 64 कला, सारे में हम माहिर थे, हर एक प्रांत में हम माहिर थे। उससे भी ज्यादा हमको आगे जाना है, मुझे विश्वास है। हम 75 साल में हमारे अनेक अनेक प्रांतों में हमने बढ़त ले ली है, ट्रांसपोर्ट हो, औद्योगिक हो, टेक्नोलॉजी हो, वस्त्र उद्योग हो, हमारे कृषि भाई हो, हम हर एक कोई प्रयास कर रहा है, कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, कोई वन इसके लिए बढ़े इसके लिए काम कर रहा है, कोई जल संचय कर रहा है, कोई नया नया संशोधन कर रहा है, और हम सब मिलके, हम जिन्होंने हमारे लिए हम स्वतंत्र रहे इसके लिए त्याग किया, बलिदान किया, परिश्रम किए, उन सब लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे, आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए, आपकी प्रेरणा हमको हमेशा चाहिए। मुझे लगता है मैं नहीं, तुम नहीं, हम सब मिलके आज मेरे साथ कितने लोग हैं वो सारे खाली रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग एज, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रोफेशन, और हम शपथ लेने वाले हैं। ये जो तिरंगा दिख रहा है ना, ये स्पेशल है। अब सब लोगों को पता है कि जब भी कौन सा भी जवान सीमा पे शहीद होता है तो उसकी शव पेटी के ऊपर एक तिरंगा होता है। हमारा तिरंगा हमेशा खड़ा होता है, हवा में लहराता रहता है, फिर ये जो तिरंगा है वो ऐसा होता है। क्यों? इसका मतलब किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। इसका मतलब ऐसा है कि जो देश के ऊपर कुर्बान हो गया उसको हम जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात राजस्थान से लेके अरुणाचल तक, सारा भारत उसको नमन करता है। और ये जो ध्वज होता है, ये ध्वज हमारे जैसे जो फैमिली होती है उनके घर में रखते हैं हम, इसको फहराते नहीं। ये तो प्राणों से ही प्रिय है, जैसे घर में भगवान हमारे हरेक के होते हैं वैसे इसका मूल्य भगवान के बराबर होता है। तो ये जो स्पेशल ध्वज आप देख रहे हैं वो मुझे सौंपा था मेरा लड़का जाने के बाद, कैप्टन विनायक जाने के बाद। मेजर जोस मेरे घर में आए थे 31 मीडियम के, उन्होंने दिया हुआ दूसरे दिन आके ये ध्वज है। तो जैसे मेरे जैसे परिवार है, हर एक हमारे घर में ऐसे ध्वज है, और हम ये वीर जो है उनको भी नमन करते हैं और शपथ लेते हैं फिर से, मैं रहूं या ना रहूं, देश रहना चाहिए। इसके लिए मुझे जो भी कोई करना पड़े, जो भी कोई आपत्ति झेलनी पड़े वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये है हमारे शहीद परिवार। मेरे साथ जुड़ी है ये सुरेखा रामचंद्र सिंह। 1971 का जो वॉर हो गया उसमें इनके पति रामचंद्र इनकी शहादत हो गई। दूसरी मेरे साथ है ऑपरेशन रक्षक आयन दिवाली के मौके पर जिसने शहादत दे दी, ऐसे मेजर राजेश नायर सासू जी। यही है वो प्यारा तिरंगा जो पहन के हमारे प्यारे हमारे घर आते हैं। जैसे मेरे घर सितंबर 1995 में आया हुआ
ये रिप्रेजेंट करता है पूरे भारत देश को, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात राजस्थान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ये हमारे हर एक शहीद परिवार में पूजा जाता है भगवान जैसा। ये अनमोल तिरंगा है। हम सब भारतीय शपथ लेते हैं कि हमको आजादी मिले, इसके लिए जिन लोगों ने परिश्रम किए, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको हमेशा याद रखेंगे। और हम वादा करते हैं कि भारत की स्वतंत्रता, समृद्धि, सम्पन्नता और सुरक्षितता नए ऊंचाई पे लेकर जाने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। ये हमारा सबका वादा है। जय हिंद भारत माता की जय। ये है हमारे शहीद स्मारक अलग अलग जगहों पे, दिल्ली के, यह है पटना का, ये फिर से हम दिल्ली आ गए। अमर जवान ज्योति जो बोलते हैं वो ये है। अभी हम जो देखने वाले हैं वो है बंगाल का, क्योंकि बंगाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल उधर का है। बाद में ये फिर से पटना का आ गया। चोरी चोरा सत्याग्रह, मुझे लगता है ऐसे अनगिनत हमारे शहीद स्मारक है, उन सब लोग स्वर्ग स्मारक है जो के मंदिर ही है। ये तो सिर्फ झांकी है, लेकिन तुम्हें पता है ये कई सारे स्मारक पूरे भारत भर में फैले हुए हैं, लेकिन वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सब तो हमारे दिल में बसे हुए हैं।